Children, today I'll discuss word problems of chapter number 5, division. Look at question number 1. 1190 spoons were being packed into boxes. Each box had the capacity of 14 spoons. How many boxes were needed? मतलब आपको 1190 spoons को pack करना है. आपको बताया गया है कि एक box के अंदर 14 spoons से ज़्यादा नहीं आएगी, तो आपको बताना है कि 1190 स्पून्स के लिए आपको कितने बॉक्सेस की जरूरत पड़ेगी. तो आपको बॉक्सेस कैलकुलेट करनी है. बेटा जो भी चीज आपको कैलकुलेट करनी होती है ना, उसको हमेशा आप अपने कहाँ रखेंगे, राइट हैंड साइड की तरफ रखेंगे. तो आपको दिया गया है 14 स्पून्स जो है वो एक बॉक्स में आएगी, तो आपको नंबर ऑफ बॉक्सेस कैलकुलेट करने हैं 1190 स्पून्स के लिए. अब आप देखिए सॉल्यूशन को. 14 spoons is equal to 1 box. 1190 spoons is equal to 1190 divide 14. यानी कि 14 spoons के लिए एक box की जरूरत है, तो 1190 spoons के लिए कितने box की जरूरत होगी, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 1190 को 14 से divide करेंगे. जो answer आएगा आपका quotient में, जो quotient होगा वो आपका होगा number of boxes. देखिए मैंने 14 को बाहर रखा, 1190 को अंदर रख के डिवीजन कर दिया. डिवीजन आपको आता है, सिंपल डिवीजन है. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सिखाया भी था कि डिवीजन कैसे करना है. तो आपका क्वेश्चन आया 85. सो 85 बॉक्सेस वर नीडेड टू पैक 1190 स्पून्स. क्वेश्चन नंबर 2. 50 पेंसिल्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 16 स्टूडेंट्स. हाउ मेनी पेंसिल्स डिड ईच चाइल्ड गेट एंड हाउ मेनी पेंसिल्स वर लेफ्ट. मतलब आपके पास 50 पेंसिल्स हैं और आपको 16 स्टूडेंट्स के अंदर उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो आपको बताना है कि एक बच्चे को, ईच चाइल्ड को कितनी पेंसिल्स मिलेंगी और कितनी पेंसिल्स डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद बच जाएंगी. नाउ लुक एट द सॉल्यूशन. 16 स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 50 पेंसिल्स. मैंने लिखा है कि 16 स्टूडेंट्स हैं और 50 पेंसिल्स हैं, तो एक स्टूडेंट को कितनी मिलेगी, आप 50 को 16 से डिवाइड करेंगे. देखिए मैंने 16 को बाहर रखा, 16 इज योर डिवाइसर, 50 इज योर क्या है बेटा, डिविडेंट. आप डिवाइड करेंगे 16 थ्री जा 48, दो आपका 2 जो आएगा वो आएगा आपका रिमाइंडर 3. यानी कि कितना हो गया, ईच चाइल्ड गेट हाउ मेनी पेंसिल्स 3, और जो पेंसिल बच गई हैं वो है आपकी 2, जो रिमाइंडर बच गया, रिमेन मतलब बचा हुआ. तो 1 स्टूडेंट इज इक्वल टू 3 पेंसिल्स एंड पेंसिल्स लेफ्ट इज इक्वल टू 2. नंबर 3. मिस्टर पटेल्स कार हैज ट्रेवल्ड 770 किलोमीटर इक्वली ओवर 22 डेज. हाउ मेनी किलोमीटर्स हैज ही ट्रेवल्ड इन 1 डे. मतलब क्या है कि एक मिस्टर पटेल है, उनकी कार 22 डेज के अंदर 770 किलोमीटर चली है, और वो बता रहे हैं कि हर दिन इक्वली चली है. ऐसा नहीं है कि किसी दिन ज्यादा किसी दिन कम, हर दिन इक्वली चली है. तो आपको बताना है कि एक दिन के अंदर उन्होंने कितना ट्रेवल किया. नाउ लुक एट द सॉल्यूशन. कार ट्रेवल्ड इन 22 डेज. आप 22 डेज का लिखेंगे, पहले कितना है 770 किलोमीटर, फिर आपको निकालना है 1 डे का. कार ट्रेवल इन 1 डे इज इक्वल टू 770 को आपको 22 से डिवाइड करना है. डिवाइड करने के बाद आंसर आया 35. जो आपका क्वोशियंट है वो होगा कार ट्रेवल इन 1 डे इज इक्वल टू 35 किलोमीटर. नंबर 4. ममता हैड पेड रुपीज 2250 फॉर 9 बुक्स. हाउ मच डिड शी पे फॉर ईच बुक. एक गर्ल है ममता, उसने 9 बुक्स लिए हैं और उसने 2250 रुपीज पे करे हैं. आपको बताना है उसने एक बुक के लिए कितने पैसे पे करे हैं. तो ये भी बहुत सिंपल है, आपको 9 बुक्स की कॉस्ट दी हुई है और आपको एक बुक की कॉस्ट निकालनी है. तो देखिए आंसर, देखिए लुक एट द सॉल्यूशन. 9 बुक्स इज इक्वल टू रुपीज 2250. 1 बुक इज इक्वल टू, आपको इस वाले नंबर को 9 से डिवाइड करना है. तो यानी कि रुपीज 2250 डिवाइडेड बाय 9. सिंपल डिवीजन है, डिवाइड करा, आपका रिमाइंडर 0 आया, क्वेश्चन आया आपका 250 रुपीज. 250 आया, जो रुपीज हम इसके आगे लगाएंगे क्योंकि ये क्या है, एक बुक की कॉस्ट है. तो 1 बुक इज इक्वल टू रुपीज 250. नंबर 5. अ बुक कंटेन 2652 पेजेस. आराध्य सेट शी वुड रीड 17 पेजेस अ डे. हाउ मेनी डेज वुड इट टेक हर टू रीड द बुक. अब इसके अंदर, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक बुक के अंदर 2652 पेजेस हैं टोटल. तो एक वन गर्ल है आराध्या, उसके उसने क्या करती है, वो डेली 17 पेजेस को रीड करती है.
तो आपको बताना है कि उसको पूरी बुक जो है जिसके अंदर 2652 पेजेस हैं उसे पढ़ने में कितना टाइम लगेगा, यानी आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने हैं जिसके अंदर उसकी पूरी बुक कंप्लीट होगी, वो पूरी बुक को रीड कर लेगी। नाउ लुक एट द सॉल्यूशन। मैंने आपको बताया जो चीज आपको निकालनी होती है वो आपको अपने राइट हैंड साइड की तरफ लिखनी होती है, तो आपको नंबर ऑफ डेज निकालने हैं तो आपको नंबर ऑफ डेज अपने राइट हैंड साइड की तरफ रखने होंगे। 17 पेजेस इज इक्वल टू वन डे, आप लिखेंगे 17 पेजेस इज इक्वल टू वन डे। अब 2652 पेजेस इज इक्वल टू 2652 डिवाइड बाय 17, तो अब मैंने इसको डिवाइड करा, पूरा डिवाइड हो गया। देखिए बेटा 156 आया आपका क्वेश्चन, तो 156 क्या होगा आपका, नंबर ऑफ डेज होगा जिसके अंदर आराध्या 2652 पेजेस को रीड करेगी।